स्टार्ट करते हैं। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आज स्टार्ट करेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ा, ऑर्डर डिग्री के बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड देखा, फिर हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेशन, और उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई फंक्शन जो होता है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, उस पर पावर सेम होती है, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले देखिए किस फॉर्म में होती है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है जिसमें क्या है, डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स है और p के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y, है ना। और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है डेरिवेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, है ना। तो dy by dx plus py is equals to q, अभी मैं बताऊंगा p और q क्या है। अच्छा dy by dx और y तो सबको पता है क्या होता है, y वेरिएबल है और dy by dx उसका डेरिवेटिव है। तो dy by dx plus py is equals to q अगर ऐसी कोई फॉर्म है तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, है ना। तो इसमें p और q क्या है, तो p and q are function of x, है ना। p और q क्या होने चाहिए, function of x समझते हो, जिसमें x ही x, हर जगह x ही x हो, y का कोई नामो निशान ना होना चाहिए, composition नहीं होना चाहिए, सिर्फ x का function होना चाहिए। तो p और q क्या होने चाहिए, function of x, और it can be constant also। इतना आया समझ में, p और q क्या होने चाहिए, function of x या फिर constant। कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए dy by dx, अच्छा ध्यान रहे जब dy by dx होगा तो यहां क्या आएगा, y, और जब इसकी पलटी होगी ना, मतलब dx upon dy होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो उस समय p और q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y होंगे, उल्टा हो जाएगा। अभी मैं ये बता दूं, तो dy by dx plus py is equals to q के कुछ उदाहरण देखिए, तो plus x square into y is equals to x cube, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंपेयर करो इससे, है ना। यहाँ पे p और q का रोल कौन प्ले कर रहा है, p का रोल x स्क्वायर प्ले कर रहा है, q का रोल x क्यूब प्ले कर रहा है, दोनों ही फंक्शन ऑफ x हैं, मतलब ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उदाहरण देखते हैं, dy by dx plus 4y is equals to x स्क्वायर, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, p का रोल कौन प्ले कर रहा है, 4, q का रोल कौन प्ले कर रहा है, x स्क्वायर। मैंने लिखा ना p और q क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे p दिख रहा है ना, p 4 है, q क्या है, x स्क्वायर, यहाँ पे p क्या था, x स्क्वायर था, यहाँ पे q क्या था, x क्यूब था, दिखाई दे रहा है सबको, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से, है ना, ध्यान रहे जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखेंगे बनाएंगे तो dy by dx के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, dy by dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, है ना। अरे कुछ चीज मल्टीप्लाई नहीं, मतलब तो dy by dx फ्री होना चाहिए, खुला। अगर dy by dx से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले उसको हटाना पड़ेगा वहां से, है ना। ये छोटी छोटी चीजें मैं बता दूंगा। अच्छा एक और उदाहरण दे, एक और ऐसा, x dy by dx plus x square is equals to sin x, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, सबसे पहले तो मैं इस x को यहाँ से हटाऊंगा, तो x का भाग लगाना पड़ेगा, x का भाग लगाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा, dy by dx plus x square upon x क्या हो जाएगा, x, और ये हो जाएगा sin x upon x, इतना आया समझ में, है ना, ओके। अच्छा यहाँ पे x square y ले लूंगा, x square y, हाँ। अब इसको कंपेयर करो, dy by dx plus py is equals to 2, p कौन है, x, q कौन है, sin x by x, है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, है ना, इस फॉर्म में होती है, dy by dx plus py is equals to q, यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हैं, dy by dx के साथ कोई तो मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, और फॉर्म कैसे बनानी है। अच्छा बीच में अगर कहीं माइनस आ गया तो भी बात चलेगा ना। अरे अब p का रोल कौन प्ले कर रहा होगा, यहाँ पर माइनस x, है ना, कंपेयर तो हम इससे करेंगे प्लस से,
तो p 3 की क्या, p क्या हो गया, अरे माइनस एक्स लिखा, तो मतलब ऐसा लिखा ना प्लस माइनस एक्स, तो मतलब ये एक्स हो गया हमारा p और ये हो गया ठीक। इतना आया समझ में? तो लिखो अब इसके बारे में पॉइंट, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form, a linear differential equation is of the form, is of the form, ये वो लिखना है, बाकी लिखो dy by dx plus py is equals to q, where p and q are function of x slash constant, you know? दो तरीके की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, या तो ऐसी होगी या फिर पलटी। ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है यहां पर? x के रेस्पेक्ट में। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है तो p के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? y। अब उल्टा सोचो, तो y के रेस्पेक्ट में जब हो रही होगी तो p के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? x, है ना? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और यहां लिखा और ऐसे भी होती है, x y के रेस्पेक्ट में है dx / dy, तो ये हो जाएगा px is equals to q, है ना? अब यहां पे ये p और q मुझे क्या बताएंगे? p और q क्या होंगे? p and q are function of y और constant। लिखो ये यहां पे लिख कर, इस linear differential equation के लिए p q जो होंगे वो function of y होगा या फिर constant होगा, function of y या फिर constant, फंक्शन ऑफ y और कॉस्ट, ठीक है? तो या तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? इतना आ गया समझ में? तो ये तो हमने पहचान ली कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसी है, है ना? अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अब वो सीखेंगे हम, है ना? तो हेडिंग लिखो वर्किंग प्रोसीजर, वर्किंग प्रोसीजर, वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व, वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वर्किंग प्रोसीजर, है ना? ध्यान से समझना, बहुत आसान है, तीन स्टेप का खेल है, हां। वर्किंग प्रोसीजर ऑफ लीनियर, टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स, हां तीन स्टेप लगती है हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तीन स्टेप। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? स्टेप 1, बहुत ही आसान है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी अलग-अलग फॉर्म में दे रखी है, मतलब dx इधर है, dy इधर है, तो पहले तो उसको अरेंज करके कैसे फॉर्म में लिया? dy/dx + py = q फॉर्म में लिया। अगर वो ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर अरेंज फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको इकट्ठा करो और उसको कैसे फॉर्म करो? dy/dx + py = q, है ना? तो सबसे पहले स्टेप, अरेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन, अरेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py is equals to p, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है ना? अरे एक साधारण स्टेप है ये, तो या तो सीधा दे रखा होगा आपको फॉर्म में, और अगर नहीं दे रखा होगा तो ऐसा फॉर्म में बना दो, जैसे कि मान लो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, x2 dy/dx प्लस x3 y is equals to x^4, ऐसा दे दिया आपको। तो इसको पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे फॉर्म में लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस x2 को उड़ाना पड़ेगा यहां से। तो जब मैं x2 को यहां से उड़ाऊंगा तो मुझे दोनों तरफ भाग लगाना पड़ेगा x2 में। तो ये लो, मैंने भाग लगा दिया x2 का, इधर भी भाग लगेगा, इधर भी लगेगा, सही है ना? तो ये कट गया, ये x2 से एक पावर कट गई तो x बचा, और ये कट गया तो x2 बचा। क्या ये आप अरेंज हो चुका है? देखो dy/dx + py = q, इस फॉर्म में अरेंज हो गए, हुआ कि नहीं? हां, तो यही है पहले स्टेप आपकी, यही कि अगर वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है
इधर उधर है, तो पहले उसको आप कैसे करो, इस फॉर्म में बनाओ, किस फॉर्म में, इस फॉर्म, है ना। अगर बना बनाया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो करना पड़ेगा, ये आया समझ में। हाँ, अब आती है स्टेप टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत आसान है। स्टेप वन मिटा दो, है ना। अब देखिए स्टेप टू, स्टेप टू अरेंज करने के बाद आपको एक छोटी सी चीज निकालनी पड़ेगी, उस चीज को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF, है ना, मतलब शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, IF। तो स्टेप टू में हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑब्टेन, आवाज मत करो यार, ऑब्टेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑब्टेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या शॉर्ट में लिखते हैं इसको IF, है ना, ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, IF लिखते हैं भाई, IF इंटीग्रेशन की स्पेलिंग आई से, फैक्टर की आई से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम, है ना। कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम बात किसकी कर रहे हैं, dy by dx plus py is equals to qt, है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हमें इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देखो IF is equals to e पता है ना, एक्सपोनेंट e के ऊपर पावर, e के ऊपर क्या है, पावर, और पावर में आपको करना है इंटीग्रेशन। क्या बोला मैंने, e क्या होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के ऊपर इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन भाई, p का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, p का इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, जाहिर सी बात है x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि p क्या है, फंक्शन ऑफ x है यार, अरे p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो x के रेस्पेक्ट में, इतना आया समझ में। हाँ, ये लिखो, ये है अपनी सेकंड स्टेप, ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप। भाई नई चीज है, नई चीज को ध्यान दोगे ना, समझोगे तो सब समझ में आएगा, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली स्टेप में क्या करते हैं भाई, अगर अरेंज फॉर्म में नहीं है तो उसको अरेंज करेंगे। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, है ना, आई बात समझ में। अब स्टेप थ्री, मतलब हमारी फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप में हमें क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री देखिए, अब हम बताएंगे जनरल सॉल्यूशन, किसका जनरल सॉल्यूशन, अरे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लगी हुई है उसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखा ध्यान से, अब जनरल सॉल्यूशन कैसे देते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है उसका जनरल सॉल्यूशन कैसा आता है, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आया समझ में, y को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो आपने ऊपर स्टेप 2 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला उससे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ध्यान से क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन, q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, आया बात समझ में, क्या याद रखो ये, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जाहिर सी बात है p और q क्या थे भाई, फंक्शन ऑफ x थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, तो ये पूरा काम किसके रेस्पेक्ट में होने वाला है, x के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, बस इतना आसान, आई बात समझ में। हाँ भाई, वापस जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इस फॉर्म का, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का, है ना। तो ये लिखो, वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूं मैं, ये मैंने आपको तीन स्टेप्स इसमें लगती है वो बताई, अब एक क्वेश्चन के वीडियो से इसको सीख लेते हैं। हाँ बता दो, अब देखना सवाल, देखना स्टेप्स आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, कोई ज्यादा स्टेप नहीं है,
पहले अरेंज करो, दूसरे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, दूसरे स्टेप में कैसे निकलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और तीसरा जब हम सॉल्यूशन देंगे तो कैसे आएगा सॉल्यूशन, y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor, है ना। अब देखो एक सवाल करते हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन देखिए, dy by dx minus y by x is equals to 2x square, है ना। ये देखो, सबसे पहले इसको देखो, क्या इसको अरेंज करने की जरूरत है? अरे अरेंज है, ये तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, और डायरेक्ट कंपैरिजन करने पर मुझे p का, p क्या दिख रहा है, माइनस वन बाई एक्स, है ना, क्योंकि प्लस से कंपेयर करते हैं हम, और q क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर, है ना। फटाफट से आप क्या निकाल देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। अब ये कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। हाँ भाई, e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है, माइनस वन बाई एक्स dx। क्या मैं इस नेगेटिव को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव कांस्टेंट होता है, तो e की पावर माइनस लॉग सॉरी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, e की पावर माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, इतना आया समझ में। अच्छा, इस माइनस का क्या होगा, x के ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे अगर लिखा होता है 2 लॉग एक्स, तो इसको क्या बोलता हूँ मैं, लॉग एक्स का स्क्वायर होता है ना, तो अगर लिखा हुआ है माइनस लॉग एक्स, तो माइनस लॉग एक्स का मतलब क्या है, ये माइनस हटेगा और ये x की पावर माइनस में हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में, तो e की पावर माइनस लॉग एक्स को मैं लिख सकता हूँ e की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस वन, है ना। और मैं आपको एक क्लास 11 से बताता आ रहा हूँ, एक्सपोनेंट के ऊपर लॉग लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट पे पावर क्या है लॉग, और लॉग के साथ कुछ भी लिखा है तो आंसर क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ है कुछ भी वही आ जाएगा, याद है कि नहीं। मैंने बताया था ना, e की पावर लॉग एक्स क्या होगा, एक्स होगा, है ना, e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, तो e की पावर log x की पावर माइनस वन क्या होगा, x की पावर माइनस वन होगा कि नहीं। हाँ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आ गया x की पावर माइनस वन, जिसको मैं वन अपॉन x भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ x की पावर माइनस वन को नीचे ले जाके वन बाई एक्स, ये हो गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चेक करिए, यहाँ से आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आया समझ में, इतना आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो रहा है इसका, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, हां भाई बात खत्म नहीं हुई, आपको राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हां, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y * इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y * इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q है 2x स्क्वायर * इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो है 1/x, और ये काम हमें करना है x के, वो देखो मिटा दो, वैसे ही होगा ना भाई, जो पढ़ा है वही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग भी लगा रहे हैं आप। हाँ, तो देखो सुनो, ये चीज तो सॉल्व है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा y / x, राइट हैंड साइड पे मुझे, अच्छा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 / x, x से एक पावर कटेगी तो क्या बचेगा, सिर्फ 2x, और 2 को मैं बाहर रख सकता हूँ, है ना, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2, सही बात है ना, और प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा ना, अरे आएगा कि नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा y / x is equals to x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, है ना। ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन, और ये हो गया मेरा आंसर, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y is equals to x into x स्क्वायर is x cube plus cx, ऐसे भी लिख सकते हो, था हमने इसको लेके बना दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए सवाल,
अब हम यहाँ पे पहुंचे
तो देखो यहाँ पर पहुंचे तो ये आ रहा है y into e की पावर 2x is equal to e की पावर 2x divided by 2 into sin x minus, अच्छा इस 2 को बाहर भेज दो, constant है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 by 2 into e की पावर 2x multiplied by cos x dx। हम ही चेक करो, ये स्टेप आया समझ में, ये स्टेप आया समझ में, पक्का, पक्की बात, हाँ। यानी हम वापस फंस गए, क्या इसमें क्या करना है? अरे देखो सुनो, अब इसको सॉल्व करने के लिए वापस लाइट लगाना पड़ेगा ना यार, नहीं सोचो आराम से सोचो, इस स्थिति में आए हैं हम, तो इसको वापस करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इनटू cos x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था आई लिखूंगा आपको, है ना, आ रही बात समझ में? अब मैं ये पार्ट मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना आपके डेफिनेट वो इंटीग्रेशन का भी यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। अच्छा तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, अब मैं इसको ना नाम दे देता हूँ आई वन, क्या नाम दिया मैंने इसका, समझ में आ रहा है, इसको मैंने आई वन नाम क्यों दिया, अब मेरे को इसको भी सॉल्व करना है यार। अब देखो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ चुपचाप आई वन इज इक्वल टू, आई वन क्या है मेरा, आई वन है मेरा e की पावर 2x इनटू cos x का इंटीग्रेशन करना है, कितना आया समझ में, या मैंने इसको i1 नाम क्यों दिया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें इसका भी तो इंटीग्रेशन करना है। हाँ अब वापस इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या लगा हूँ, वही लाइट रूल है ना, ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, तो इसके लिए cos x बाहर हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, cos x बाहर हो जाएगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, सही बात है, फिर आता है माइनस साइन और फिर आता है बड़ा इंटीग्रेशन, है ना, बड़े इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, cos x का, क्या होता है माइनस sin x, होता है कि नहीं होता है, तो ये भी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लिखा लगा दूं प्लस बाहर, हाँ तो देखो ये प्लस बाहर और फिर क्या होता है इनटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आता है, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 और ये काम हमें x के रिस्पेक्ट में करना, ये स्टेप आई समझ में। अब देखो ये स्टेप करने के बाद ये चीज तो आ गई मेरी e की पावर 2x * cos x डिवाइडेड बाय 2 है ना, और यहां से प्लस 1/2 और यहां से आया 1/2 e की पावर 2x * sin x dx, बात आई समझ में, और ये चीज क्या है मुझे बताओ एक बार, ध्यान से आई है ना, आ रही समझ में, ये आई और आई1 का आया ना कांसेप्ट, हाँ, तो अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, ये चीज है मेरी i1 है ना, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो चीज क्या है i1, अरे मैं i1 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, तो क्या मैं अब i1 को ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर 2x * cos x / 2 + half i लिख सकता हूँ, अरे half i लिख सकता हूँ ना, ये i तो है लिख दूँ, तो इस चीज को मिटा के क्या लिख दे रहा हूँ मैं half i, ये आ गया समझ में, आया कि नहीं, अब आपको ये जो i1 है कहाँ पटकना है, अरे ये i1 है ना, ये i1 है, इस i1 की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, कर आपका आंसर आ गया, इस i1 की जगह ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दो, बाहर हाफ है भूलना मत, हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाहर जब हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये दो और दो दोनों कट जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास बच जाएगा, देखो ये हमें ये i1 यहां डालने वाला हूं, तो अब मेरे पास कितना है y e की पावर x is equal to e की पावर 2x, sorry y e की पावर 2x is equal to e की पावर 2x divided by 2 into sin x minus 1 by 2, 1 by 2 के बाद ये चीज कट जाएगा, है ना, 1 by 2, हाँ तो ये देखो यहां पर करने के बाद, हाँ तो i इज इक्वल टू हमारा क्या आया, i इज इक्वल टू हमारा क्या आया भाई, इंटीग्रेशन करने के बाद ये चीज आई ना हमारे पास, हाँ डाल दो इधर आ जाएगा आपका आंसर, ये पूरी चीज इधर डालना है, ठीक है,
ठीक है ना, पूरी चीज उधर डाल देंगे तो ये क्या रहेगा, वाई इंटू की पावर टू एक्स इक्वल्स टू ई की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू साइन एक्स, है ना, और माइनस वन बाय टू, और ये टू कैंसिल हो जाएगा, दो बन गए नहीं, ये आई सॉरी आई वन की जगह हम ये डाल रहे हैं ना, पूरा एक्सप्रेशन आई वन की जगह जब मैं ये यहाँ पे डालूंगा, बाहर ऑलरेडी वन बाई टू है, वन बाई फोर हो जाएगा, वन बाई फोर हो जाएगा, बाहर वन बाई टू है, वन बाई टू से ये चीज मल्टीप्लाई होगी, ई की पावर टू एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस हाफ आई, सही बात है ना, तो y e की पावर 2x is equal to e की पावर 2x into sin x divided by 2 minus देखो 1 by 4 e की पावर 2x into cos x minus 1 by 4 i, समझ में आ रहा है? हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये जो पूरी चीज थी, ये पूरी चीज ये क्या थी, i थी, i अरे i था ना, ये ये तो पूरी चीज क्या है, आई है, मतलब आई मतलब इंटीग्रेशन e की पावर 2x इनटू sin x का इंटीग्रेशन, तो ये पूरी चीज किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो ये पूरी चीज अगर आई के बराबर है, अगर ये पूरी चीज आई के बराबर है तो ये माइनस वन बाय फोर आई उधर चला जाएगा आई के पास, है ना, मैं कह रहा हूँ ये पूरी चीज किसके बराबर है, आई के, तो ये माइनस वन बाय फोर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो आई प्लस वन बाय फोर आई is equals to e की पावर 2x sin x divided by 2, है ना, minus e की पावर 2x cos x divided by 4, कितना आया समझ में, कितना आ रहा भाई, i में 1 by 4 i जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 by 4 i, 4 i plus i कितना हो गया भाई, 5 i, तो 5 i by 4 आ जाएगा, 5 i by 4, ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 5 i by 4, तो i कितना हो जाएगा, ये 5 इधर इधर नीचे आ जाएगा, आएगा, अरे 5 इधर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20, आया नहीं, नहीं आया समझ, थोड़ा लेंथ है भाई, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए, तो ये आ जाएगा i, नहीं आया, देख लो आराम से, देख लो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी चीज किसके इक्वल है बेटे, आई के इक्वल है कि नहीं, तो ये माइनस वन बाय फोर है इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, फाइव बाय फोर है, फाइव बाय फोर आई हो जाएगा, फाइव आई बाय फोर ऐसा हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पर था e की पावर टू एक्स साइन एक्स और यहाँ पे था फोर, है ना, अच्छा तो अब क्या होगा इस, हाँ यार थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया, हाँ तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 by 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, i की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 by 5 4 से 2 2 2 by 5 आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2 by 5 into e की पावर 2x into sin x, है ना, ये हो गया 2 by 5 और ये हो जाएगा सिर्फ 5, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1 by 5 into e की पावर 2x cos x इसको सॉल्व करके यहाँ पटक देंगे भाई, ये पूरी चीज आ गई है हमारे पास, है ना, आया समझ में, ये पूरी चीज यहाँ पर रखोगे, ये हुआ ना, ये तो y टू e की पावर 2x बराबर ही है, ठीक है, e की पावर 2x e की पावर 2x e की पावर 2x कॉमन निकाल लेते हैं और आपका सॉल्यूशन आया समझ में, हां y टू e की पावर 2x के बराबर है ये पूरा चीज, y into e की पावर 2x है, हाँ, करें बारा, चल
ये आ गया हमारा, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये, ये तो इंटीग्रेशन हुआ इस चीज का, अब बाहर क्या है y * e की पावर 2x, तो y * e की पावर 2x = 2y / 5 * e की पावर 2x माइनस 1/5 e की पावर 2x * cos x, अब प्लस का कौन सा, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है भाई। आप चाहो तो e की पावर 2x को यहां से यहां से यहां से कॉमन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, तो फिर ये c के साथ तो e की पावर 2x है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, e की पावर -2x हो जाएगा यहां पर c के साथ कंटिन्यू होगा क्या, अगर आप e की पावर 2x यहां से कॉमन निकालते हो, यहां से भी कॉमन निकालते हो काटने के लिए, तो c के नीचे नहीं है ना, तो c को नीचे देना पड़ेगा आपको e की पावर 2x, ऊपर ले जाते हो क्या बन जाएगा e की पावर -2x, यहां से देखो ऐसे यहाँ से e की पावर 2x कॉमन है और यहाँ से e की पावर 2x कॉमन दूंगा तो क्या आएगा अंदर 2/5 sin x माइनस 1/5 cos x प्लस c अपॉन e की पावर 2x, ऐसा आएगा ना, आएगा कि नहीं, नहीं हाँ, तो ये कैंसिल हो गया e की पावर 2x, e की पावर 2x और इस e की पावर 2x का क्या हो जाएगा ऊपर आ गया माइनस, ये हो गया हमारा जनरल ठीक है ना। तो बेसिक था इसमें, देखो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करना था, घर पे जाके इस क्वेश्चन को आप वापस से करिएगा है ना, तो उससे क्या होगा आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की भी प्रैक्टिस होगी साथ साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन को हो ही रहा है हमारा है ना। चलिए बाकी नेक्स्ट वन में करेंगे।